करने वाले हैं वो जामा मस्जिद की मार्केट कवर करने वाले हैं। आप देख सकते हैं टाइम इस वक्त रात के 2 बजे हैं भाई, तो आप देख सकते हैं ये जामा मस्जिद की मार्केट है और आज मैं आपको कंप्लीट जामा मस्जिद की मार्केट दिखाने वाला हूँ रात के 2 बजे की, कि यहाँ पर कितना क्रश रहता है वो मैं आज आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, साथ ही साथ कितना मज़ा आने वाला है यहाँ पर रात को 2 बजे वो भी मैं आज को दिखाने वाला हूँ। तो बने रहे वीडियो में एंड तक, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और काफ़ी लोगों से बातें भी करेंगे इसके अंदर और मतलब उनको कैसा लगता है यहाँ पर आकर जामा मस्जिद, जैसे इस वक्त जैसा रमजान का समय चल रहा है तो उनको मतलब कैसा लगता है, ठीक है, तो उन लोगों से हम बात करेंगे। बाकी अभी मैं आपको फ्रंट का दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं भाई, ये फ्रंट का है और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर है अलजवाहर होटल, ठीक है, ये बहुत अच्छा फेमस है यहाँ पर अलजवाहर की बराबर में है और इधर करीम होटल भी है अंदर, वो भी मैं किसी दिन इसका प्रॉपर एक ब्लॉग दिखाऊंगा। ये रात के 2 बजे का नज़ारा है और आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई खजला फेनिया, ठीक है, ये भी आप यहाँ से रात को 2 बजे ले सकते हो भाई, कोई इशू नहीं है और काफ़ी मतलब यहाँ पर भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर एक शाही टुकड़ा जो है वो कूल पॉइंट वाला, हमने अपने ब्लॉग में भी दिखाया था कूल पॉइंट वाला, ये एक फेमस शाही टुकड़ा है यहाँ का, यहाँ पर भी आप आ सकते हैं, ठीक है। इनकी 2 ब्रांचेज हैं, एक यहाँ पर इनकी एक ब्रांचेज है और एक ब्रांच इनकी कूल पॉइंट की आगे भी है, जिस पर हमने एक प्रॉपर एक ब्लॉग भी बनाया था, वो भी आपने देखा होगा हमारे चैनल पे का, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ। तो ये फ्राई है भाई यहाँ पर वो, जो कि भी आप देख सकते हैं भाई रात के 2 बजे खुली हुई है, आप देख सकते हो भाई अब ये कटिंग चल रही है इनकी और प्रॉपर तरीके से ये हमें दिखा रहे हैं भाई। क्या प्राइजेज रहता है इसका ज़रा हमें बताइए भैया कुछ इसका। ये चिकन फ्राइड है, हाफ चिकन आपका आएगा ये 260 रुपये का और फुल चिकन है 520 रुपये का। कब से आप यहाँ पर हो, मतलब कब से आपकी दुकान की ओपनिंग हुई थी? ये हमारे फादर के टाइम का है, पहले हमारे बड़े भाई चलाते थे, पहले फादर ने चलाया, उसके बाद बड़े भाई ने चलाया, फिर मैं यहाँ पर आया जी। एक बार हम थोड़ा टेस्ट करके भी देख लेते हैं भाई कैसा है, क्योंकि काफ़ी लोगों को तारीफ करते हैं, क्योंकि दिल्ली का, पुराने दिल्ली का जो खाना है वो बहुत फेमस है, मतलब एक उमदा यहाँ के जो मसाले हैं बहुत अल्टीमेट हैं, तो आज हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई खाने में कितना मज़ा आने वाला है, एक दो पीसेस हम चेक करने वाले हैं। तो अभी हम आपको फ्राई का टेस्ट बताएंगे और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर हम आज आपको लेके जाएंगे, क्योंकि ये जो हमारी वीडियो है ये कंप्लीट मार्केट के ऊपर है, क्योंकि रमज़ान में जो यहाँ पर मार्केट लगती है कुछ स्पेशल्स मार्केट है, यहाँ पर कुछ रमज़ान की जो स्पेशल स्वीट्स है वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और बाकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यार कितना मतलब भीड़ भाड़ वाला इलाका है और पूरी सजावट है ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं 2 बजे और प्रॉपर तरीके से यहाँ पर लोग खाते हैं, क्योंकि सेरी का भी टाइम हो जाता है तो सेरी भी वो करते हैं इसी टाइम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई हमारी जो डिशेज जो हम खाने वाले हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है और अभी देख लेते हैं ये इसके अंदर क्या क्या मिलाने वाले हैं। ये तो आप देख सकते हैं भाई इसके अंदर मसाले मिला रहे हैं ये, ठीक है, मसाले भाई ने डाले इसके अंदर, यहाँ के जो फेमस मसाले हैं उमदा मसाले जो हैं वो इसके अंदर डाले, और उसके बाद हम थोड़ा टेस्ट करने वाले हैं इसमें कि क्या क्या इसके अंदर मिलने वाला है हमें। ये हमारी यहाँ पर प्लेट लग करके तैयार हो गई है और हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। ये इसके अंदर कुछ प्याज आ गए हैं, ठीक है, ये नींबू आ गया है इसके अंदर, और अब थोड़ा सा हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है अब खाने के लिए, तो अब मैं थोड़ा टेस्ट कर लेता हूँ भाई, बहुत अल्टीमेट है यार। नसीम फिश एंड चिकन पॉइंट, ये हमारे जामा मस्जिद 1 नंबर गेट के सामने से ही मटिया महल अलजवाहर की लाइन में ही आ गए है, अलजवाहर से 10 दुकानें आ गई है। ये नसीम फिश एंड चिकन पॉइंट भाई आप देख सकते हैं, नसीम फिश एंड चिकन पॉइंट है, आप अगर जो आ रहे हो दिल्ली के अंदर इधर ये देख सकते हैं आप, अगर आप दिल्ली के अंदर आ रहे हो और जामा मस्जिद के 1 नंबर गेट से अलजवाहर वाली साइड में आपको 10 से 12 वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको मिल जाएगा भाई। मैंने खाया, अल्टीमेट मज़ा आ गया भाई, अगर आप आ रहे हो उधर तो भाई आप जरूर ट्राई करना। अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे शीरमाल ट्राई कर लेते हैं, शीरमाल की बहुत फेमस दुकान है। तो भाई हाजी नजीम की जो दुकान है ये मतलब शीरमाल के नाम से बहुत मशहूर है भाई, अगर आप आ रहे हो तो भाई यहाँ का शीरमाल जरूर टेस्ट कर लेना। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप के इनके पास शीरमाल हैं, ये पूरा मेवा है प्रॉपर तरीके से, और ये आप देख सकते हैं बादाम का है पूरा, ये मतलब सारे अलग अलग तरीके के इनके पास शीरमाल होते हैं। भैया आप मुझे बताओगे कौन कौन से शीरमाल है? भैया हमारे पास 8 तरह के शीरमाल होते हैं, ये देखिए भैया, ये नॉर्मल शीरमाल होता है 30 रुपये का होता है सिंपल, ये 40 रुपये का होता है नॉर्मल बादाम, ये 60 रुपये का होता है फुल बादाम देसी घी में, ये 80 रुपये का होता है भैया फुल बादाम देसी घी में होता है, ये पिस्ता बादाम देसी घी में होता है भाई 100 रुपये का, ये 200 रुपये का होता है फुल ड्राई फ्रूट, ये होता है ऑल द बेस्ट शीरमाल, ये 300 रुपये का होता है भैया काजू बादाम पिस्ता चिरौंजी के साथ,
तो आपने देखा भाई, इन्होंने सभी सीरमाल के हमें प्राइजेस बताए हैं और अभी थोड़ा सा हम टेस्ट करने वाले हैं और इनका इनका एक बार थोड़ा सा सीरमाल देख लेते हैं वो कितना अल्टीमेट होने वाला है। तो अभी मैं थोड़ा सीरमाल ट्राई कर लेता हूँ इनका, जो कि बहुत अल्टीमेट है क्योंकि मैंने पहले भी खाया इनके यहाँ से। क्योंकि ये जो फेमस दुकानें हैं, हाँ जी नदीम की जो मैं बात करूँ, ये बहुत फेमस दुकान है यहाँ पर पुरानी दिल्ली की। ये आपको जो जामा मस्जिद का गेट नंबर 1 है अलजवार वाली साइड में, आपको 10 वॉकिंग डिस्टेंस पे 10 से 15 नंबर की दुकान है, तो आप आकर के यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। भाई जैसा सुना था हमने वैसा ही निकला, एक नंबर भाई जबरदस्त। अगर आप प्लान कर रहे हो, अगर आ रहे हो तो आप भाई पी लेना यार, अल्टीमेट है भाई। सबाहर होटल और ये है अलजवाहर, यहाँ पर दोनों ही होटल बराबर बराबर में हैं और दोनों ही होटल बहुत अच्छे हैं भाई, बहुत अच्छे हैं। आप जब भी कभी यहाँ पर आ रहे हो, और यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई ये शेरी का यहाँ पर मटेरियल तैयार हो रखा हुआ है। आप यहाँ से मतलब बस इसके अंदर दूध डालेंगे और हमारी शेरी यहाँ पर तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की यहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहती हैं रमज़ान के टाइम में, ठीक है। तो आप जब भी इधर आते हो तो आपको भी ये मतलब ईजिली से मिल जाएगा भाई। ये खीर है ये कितने की है, ये 40 रुपये की आपको मिल जाएगी और ये आपको 50 रुपये की मिल जाएगी, ठीक है। और इसका अगर जो हम प्राइस की बात करें, 40 रुपये की मिलती है आपको कंप्लीट, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो गाइज हम यहाँ से बस हमने जितनी मार्केट दिखानी थी आपको दिखा ली, और आपने देखा भी होगा यहाँ पर सभी तरह के मतलब यहाँ पर चीज़ें सामान मिल जाता है, चाहे कोई वो नॉनवेज की बात करूँ या वेज की बात करूँ, या मैंने आपको यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं। तो अभी हम यहाँ से वापस चल रहे हैं अपने घर की ओर, 2:37 हो चुके हैं। तो गाइज़ आई होप आपको मार्केट देख करके अच्छा लगा होगा, मार्केट देख करके आपको मज़ा आया होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी मार्केट यहाँ पर कवर करी है। मतलब प्रॉपर तो मैं शूट नहीं कर पाया, जो मार्केट की एक एक दुकान है वो तो मैं आपको नहीं बता पाया, लेकिन काफ़ी हद तक मैंने यहाँ पर मार्केट आज कवर करने की कोशिश करी है। और आज हम अपने ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, बाकी तो भाई फिर मैं एक नई वीडियो में मिलूँगा, जब तक के लिए धन्यवाद।